जैन साथियों, आज हम फिर से करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए। ये मॉडल पेपर 4 है। इससे पहले आपने 1, 2, 3 या 3 पेपर नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ मैं इसका प्ले आर्मी क्लर्क मॉडल पेपर के प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और साथ ही आप OnePlus डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपके लिए इंग्लिश का और मैथ का पेड कोर्स लाया जा रहा है, जिसके लिए फ़ी अभी बहुत ही कम है। आप अपने एग्ज़ाम के लिए श्योर सक्सेस के लिए आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए फी थोड़ा सा बहुत ही कम है, ठीक है। तो और भी जो क्वेरी है तो आप मुझे 8210718211 मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, या फिर आपके पास दूसरा नंबर जो है 9102195290 पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के ये क्वेश्चन से। तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यानी भारत के सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे। ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो अपना आंसर से मैच कर लें। देखिए, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। देखिए, जो जो क्वेश्चन मैं लाया है आप लोगों के लिए, तो 25 क्वेश्चन इसमें है आप लोगों के लिए है। 25 क्वेश्चन में से अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन तक कर पाते हो, अगर आप 20 क्वेश्चन तक कर पाते हो, समझ लिए आपका लेवल जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लेवल है थोड़ा सा हार्ड लेवल है। और इस लेवल में आप कर पाते हो तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप श्योरली करोगे। ये आपको जाँचने का सबसे अच्छा तरीका ये है सबसे इस मॉडल पेपर से, ठीक है। देखिए, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। देखिए, प्रसिद्ध जो दिल्ली में है जामा मस्जिद है वो किसका, इसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब ने, किसने कराया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां करने वाले जो बच्चे भी हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक और शेयर लास्ट में जरूर करना, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर करना, क्योंकि आपके लिए मैं लाता रहता हूं जो आपके लिए बेस्ट है, आपके एग्जाम के लिए मैं वो कंटेंट लेके आते रहता हूं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज का इंडिका किसके इतिहास से संबंधित है। इंडिका का संबंध किससे संबंधित है, इंडिका का किससे संबंधित है? क्या गुप्त वंश से, या गुप्त से, या सातवाहन से, या चोल से, या फिर मौर्य से, किससे है? देखिए, इंडिका संबंध जो है ये है मौर्य से, मौर्य वंश से संबंधित है ये इंडिका, ठीक है। किसका लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन है कौन सा संविधान का अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है, ये कौन सा अनुच्छेद है? देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन में है आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 है, या अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 357 है, या अनुच्छेद 359 है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो क्या है 368 आपका आंसर यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित कर सकता है? इसका ऑप्शन आपके पास है केवल विदेशी हमले के दौरान, या केवल सशस्त्र विद्रोह के दौरान, या फिर यदि वह संतुष्ट है कि युद्ध या बाहरी आक्रमकता या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा है तब कर सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि भारत के लिए कोई खतरा बन सकता है, हो सकता है, तो वह राष्ट्रपति आपातकाल लगा जाता है, जिसे राष्ट्रपति शासन जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहां आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अपना आंसर जरूर मैच करते रहें आप लोग। क्वेश्चन है एक ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, यानी ट्रांजिस्टर के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्या अल्मोनियम का उपयोग किया जाता है, तांबे का, सिलिकॉन का, या फिर चांदी का, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है, सबसे मजबूत बल कौन सा है? ऑप्शन है विद्युत बल, या गुरुत्वाकर्षण बल, या परमाणु बल, या चुंबकीय बल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि भारत में सबसे अधिक प्रकृति में सबसे अधिक मजबूत जो बल है वो कौन सा है? तो ये है परमाणु बल, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगला क्वेश्चन है एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह के कारण होता है, यानी एक तार में जो इलेक्ट्रिक का करंट का जो प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, कौन सा एलिमेंट इसका है इसके कारण जो होता है ये उसमें करंट प्रवाह होता है? क्या ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, या फिर होल?
देखिए मैं क्लास थोड़ा अभी फास्ट में करवा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को क्वेश्चन कम टाइम में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए, अपने आप को टेस्ट कर पाएँ। ये आप लोगों के लिए टेस्ट है। और साथ लास्ट मुझे कमेंट करके ये बताना कि इसमें से आपने कितना क्वेश्चन करा है, 25 में से कितना करा है, ठीक है? तब मैं जान पाऊँगा कि आपका लेवल क्या है और मुझे किस तरह का लेवल लाना चाहिए, ठीक है? चलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी कि धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाह होता है, इसमें प्रवाह होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? आगे आता हूँ, अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार की प्रकृति क्या है, फ्यूज तार की प्रकृति क्या है, उसका क्या है नेचर क्या है, क्या ऑप्शन है कम गलनांक बिंदु या उच्च गलनांक बिंदु या फिर उच्च चालकता या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जो कि कम गलनांक बिंदु होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। आगे है एक ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, क्या वह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है या फिर एसी वोल्टेज को कमी या वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाता है या फिर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है या यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या होता है? एक ट्रांसफार्मर जो होता है ये एसी वोल्टेज को कमी या वृद्धि करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे आता हूँ, अगला क्वेश्चन है हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए तो ऑप्शन आपके पास है नेप्थलीन, एस्टरलीन या फिर इथेन या फिर मीथेन। तो याद कर लीजिए हरे फल को पकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है कृत्रिम तरीकों से क्या आता है, एस्टरलीन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन है कोयला का प्रयोग किया जाता है या हड्डी का काला या फिर काला राख, काली राख या फिर ग्रेफाइट। तो याद कर लीजिए पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है दो धातु आयन जो पानी में कठोरता के कारण होता है क्या होता है, क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है या सोडियम या कैल्शियम होता है, सोडियम या पोटेशियम होता है या सोडियम या मैग्नीशियम होता है, क्या होता है? देखिए दो धातु आयन जो होते हैं ये होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। देखिए मैं ज़्यादा आपको ये नहीं करता हूँ, अपना आंसर मैच करते रहे, मैं आप लोगों को कमेंट अभी जो है मैं देखूंगा जब मैं ये क्लास आपके लिए लाइव होगा तब, अभी जो है आप लोग कमेंट करते रहे, मैं क्लास पर भी फोकस कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? आगे है किसको आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन है आपके पास लेवोसियर को, रदरफोर्ड को या मेंडलीव को या बोहर को। तो एक माना जाता है मेंडलीव को माना जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर है। आगे है बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है या सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है या सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए, बस अभी स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है विच ऑफ दी इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। देखिए आप गौर कर लीजिए उदाहरण नहीं है, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और कीबोर्ड है। देखिए यानी कि मॉनिटर भी क्या है एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी क्या है एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कीबोर्ड जो है क्या इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन है वे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर में प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है, डिवाइसें क्या कहलाती हैं, ऐसे डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, क्या इनपुट डिवाइस कहलाता है, आउटपुट डिवाइस या इनडायरेक्ट डिवाइसेस कहा जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो हमें प्राप्त कंप्यूटर से प्राप्त होता है उन डिवाइसों को क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे है प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में ये करता है, ट्रांसफर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है डायरेक्टली मैं इसका आंसर मैंने बता दिया आपको, ये सॉफ्ट कॉपी को क्या करता है हार्ड कॉपी में ये ट्रांसफॉर्म करता है।
आगे है पी रोम, यानी कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे है वेब पेज को किसके उपयोग करके ढूंढा जाता है, मैंने क्या उपयोग करके इसका वेब पेज को ढूंढा जाता है, यानी कि www का जो पेज बनते हैं कंप्यूटर पे पेज होता है किसके यूज़ करके। इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इसे URL कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कभी कभी आपका URL का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यानी कि वेब पेजों को यानी कि URL का प्रयोग करके ढूंढा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर आपका वही प्रॉब्लम हो गया, आपका फॉन्ट का मैंने ध्यान दिया नहीं, यहाँ पर फॉन्ट का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। देखिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्या है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और उसका लेंथ दिया है, उसका लंबाई मुझे कितना दिया है तो 18 सेंटीमीटर है, तो उसका पूछ रहा है पैरामीटर कितना है, यानी कि परिमाप कितना है, परिमाप कितना है। देखिए आपका फॉन्ट यहाँ पर क्या मिस्टेक थोड़ा हो गया है, फिर ये आपका कृतिदेम फॉन्ट था, हिंदी फॉन्ट अब यहाँ नहीं आया, तो याद कर लीजिए मुझे क्षेत्रफल मुझे कितना दिया है तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और मुझे लंबाई मुझे दिया है कितना तो 18 दिया है। सबसे पहले चौड़ाई निकाल लो तभी परिमाप निकालोगे, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 में लंबाई प्लस में चौड़ाई फॉर्मूला होता है। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर चौड़ाई निकालने में क्या करोगे तो क्षेत्रफल बटा में क्या कर दोगे आप, कर दोगे यहाँ पर लंबाई, यानी 180 बटा में 18 कर दो, यानी कि 10 निकल जाएगा। अब देखो चौड़ाई निकल गया 10, लंबाई निकल गया 18, यानी इस फॉर्मूला में बिठा दो 2 में 18 प्लस में 10, यानी कि 2 में 18 10 28 दुना में 56 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आगे है इफ अ फोर मैन और 7 वोमैन डू ए वर्क इन 60 डेज, देखो एक चार आदमी या फिर 7 महिला मिलकर काम को 60 दिन में करता है, यानी कि चार आदमी काम करेगा तो 60 दिन में करेगा, या फिर 7 औरत करेगा तो 60 दिन में करेगा। तो बोल रहा है कि हाउ मैनी डेज विल 8 men and 7 women फिनिश द वर्क, अगर मान लीजिए 8 आदमी मिल जाए और 7 औरत साथ काम करें तो कितना दिन लगेगा। पहले देखो यहाँ पर अलग अलग दिया गया है ना, पहले ऐसा कर लो या फिर आदमी को महिला बना लो या फिर महिला को आदमी बना लो। मैं यहाँ क्या करता हूँ, आदमी को मैं क्या करता हूँ महिला बना लेता हूँ। देखो चार आदमी बराबर में 7 महिला दिया है, क्योंकि दोनों को 60 दिन लगते हैं ना, तो 7 महिला, ठीक है। तो देखो 8 आदमी क्या हो जाएगा, मैंने इसके बराबर में लिया 8 आदमी, तो 8 आदमी कितना, इसका दोगुना हो गया ना, तो दोगुना ये भी हो जाएगा, 14 महिला के बराबर में हो जाएगा। यानी कि अब देखो यहाँ पर अगर आप देख लो यहाँ पर ऐसा कर फॉर्मूला याद कर लो, m1 into d1 बराबर में m2 into d2, ठीक है, आदमी फिर दिन फिर आदमी फिर दिन। अब देखो पहले कितना आदमी थे, पहले आदमी 7 औरत काम करना 60 दिन में करता था, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ 7 औरत 60 दिन में। अब देखो महिला यहाँ पर आदमी है, तो आदमी कितना 8 men थे, तो 8 men के बराबर में कितना हो गया, 8 men के बराबर में 14 महिला हो गया ना, 14 महिला ये, और साथ साथ में कितना 7 महिला और ना, तो 14 + 7 यानी कि 21 महिला कितना दिन में करेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 × 60 बराबर में 21 × वॉट, यानी कि कितने दिन लगेंगे, वॉट मतलब कितने दिन लगेंगे ये वाला। अब देखो यहाँ पर 7 × 21 3 × 3 = 20 से, यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर में 20, यानी कितने दिन लगेंगे तो 20 दिन लगेंगे काम खत्म होने में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होता होगा, लेकिन क्वेश्चन को आप खुद से बना के चेक करके बता देना मुझे कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितना करा है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना, यानी कि इसका क्या घनमूल मुझे पूछ रहा है, यानी देखो घनमूल पूछने का मतलब क्या है ऐसे वाला, यानी कि 6 6 5 6, देखो ऐसे करने को ऐसे जब निकालना होगा ना, तो एक तरीका इसका क्या है 6 4 6 6 5 6 है ना, सबसे पहले दाएं तरफ में आप 3 नंबर रख लेना, बाएं तरफ में 2 नंबर रख लेना। अब देखो यहाँ पर 3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 3 × 27 हो जाएगा, और 4 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब 64 का कितना 64 तेईस से बड़ा हो जाता है ना, तो बड़ा वाला नहीं लेना आप, ये ले लेना, यानी कि इसका किसका क्यूब है 3 का ना, तो 3 यहाँ कर देना, और जो यहाँ पर लास्ट में रहे यहाँ पर उसका क्यूब कर देना, यानी कि इसका क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 36, यानी कि 216 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 216 इकाई स्थान में क्या 6 आया ना,
इसको आप ले लेना 6 यहाँ पर कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इसका क्यूब करके जो इकाई स्थान पर आया वो ले लेना, और इसका घनमूल के बीच जो पहले आए कौन सा ले लेना, यानी कि दो तीन का क्यूब करते तो 27 होता है, इससे कम है 46 से, और 4 करते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाता है 64। इसलिए 4 तो लोगे नहीं, आप 3 लोगे, यानी कि 3 और 6 36 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ए म्यूजिक स्कूल 70% स्टूडेंट आर बॉयज़। एक म्यूजिक स्कूल में 70% क्या है, तो स्टूडेंट लड़का है, बॉय है, तो रेस्ट कितना बचाएगा, यानी 30% क्या हो जाएगा, ये गर्ल हो जाएगा। लेकिन गर्ल 30% दिया नहीं है, नंबर में दिया है, यानी 30% क्या है, गर्ल है ना, गर्ल है, यानी कि 30% किसके बराबर में है, तो 90 के बराबर में है। फाइंड और दी नंबर ऑफ बॉय, कितने लड़के हैं, लड़के कितने लड़के हैं, तो 70% है ना, 70% है, यानी 30% बराबर में 90 है, तो 70% बराबर में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ कर दो, इन दोनों गुना कर दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 गुना में 90 बटा में 30, 30 दिया में 90, 70 दिया में 210, 210 क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो इतने लड़के हैं क्लास में, ठीक है, म्यूजिक स्कूल में। आगे है, द एरिया ऑफ फोर वॉल ऑफ रूम इज 42 स्क्वायर मीटर, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कितना दिया है मुझे, क्षेत्रफल मुझे कितना दिया है, ये दिया है 42 स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर दिया है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया, ठीक है, यानी चारों दीवार का क्षेत्रफल देखो, और मुझे दिया है इसका लेंथ और ब्रेथ मुझे दिया है कितना, तो 4 मीटर एंड 3 मीटर दिया है, तो मुझे पूछा है उसका हाइट कितना है, तो याद कर लीजिए चारों, यानी कि चारों दीवारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस गुना में ऊंचाई, देखो 2, अब क्षेत्रफल मुझे कितना दिया है, मुझे क्षेत्रफल दिया है मुझे कितना, 42 दिया है ना, 42 यहाँ कर दो, 42 इंटू में लंबाई मुझे कितना दिया है 4 प्लस में 3 और ये गुना में ऊंचाई यानी h मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू में 4 3 7 हो जाएगा, गुना में h हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, देखो 7 6 42 2 3 6 यानी h बराबर में कितना हो गया, h बराबर में हो गया 3 आपका हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन कराया है, 25 क्वेश्चन में से कितना आपका सही होता है आप मुझे कमेंट करके बताना, और साथ साथ इस चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है, और अगर आप आर्मी कलर के लिए इंग्लिश क्लास या फिर मैथ क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर मुझे आप कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।